पहले जिस वृद्ध को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी उसका कल अस्पताल में कोरोना की वजह से निधन हो गया। 66 साल के वृद्ध का इंदौर के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। बताया जा रहा है कि हरपाल सिंह मल्होत्रा निवासी सार्थक रेजिडेंसी शिवधाम कॉलोनी में रहते थे। हरपाल सिंह ने 8 मार्च को कोरोना वैक्सीन का डोज लगवाया था। कोरोना का डोज लगवाने के बाद तबीयत खराब होने पर उन्हें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद कल उनका निधन हो गया। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हरपाल सिंह के बेटे मोनू सिंह मल्होत्रा की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उनकी तबीयत अब पहले से ठीक है जी। अभी उसको वैक्सीन लगाए 10 ही दिन हुए थे। अभी वैक्सीन 2 डोज लगने के बाद इसमें किसी में भी एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की, जो तो उसमें एंटीबॉडीज बनी नहीं थी। प्लस उसको जो लंग्स हैं वो 70% लंग्स इन्वॉल्वमेंट थे, जिसमें रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, इसलिए उनकी डेथ हुई है। इसमें अभी कोविड का टीके का प्रभाव नहीं शुरू हुआ था।